फ्रेंड्स, कुकिंग विद रेनू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ गोलगप्पे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये सभी को बहुत पसंद होते हैं। गोलगप्पे देखते ही हम सबके मुंह में पानी आ जाता है। गोलगप्पे को पानी पूरी, पुचका, गुपचुप कई नामों से पहचानते हैं। तो चलिए गोलगप्पा बनाना स्टार्ट करते हैं। गोलगप्पा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी ये देख लेते हैं। ये मैंने 2 कप बारीक वाली सूजी ली है। मैंने सूजी का मेजरमेंट इसी बाउल से किया है जिसमें मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। इससे मैंने 2 कप सूजी ली है, तो जितनी सूजी ली है उसका चौथाई हिस्सा मैंने ऑयल का लिया है, तो आधा कप ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। और हमने 1 गिलास में लिया है गुनगुना पानी। तो चलिए सबसे पहले हम अपना डो तैयार कर लेते हैं। इसमें ऑयल डाल देते हैं और इस ऑयल को अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। ऑयल हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है सूजी में, देखिए। अब हम इसको इकट्ठा करके हल्का सा दबाएंगे, तो देखिए इस तरह से ये इसकी बाइंडिंग सी होने लगती है। इसका मतलब ये है कि हमने जो इसमें ऑयल डाला था वो परफेक्ट है। हमारे गोलगप्पे एकदम अब क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेते हैं। मीडियम डो तैयार करना है क्योंकि सूजी जब हम थोड़ा इसको ढक के रखेंगे तो फूलेगी भी। देखिए हमने अपना डो तैयार कर लिया है, मीडियम डो लगाया है। देखिए क्योंकि अभी हमारी सूजी फूलेगी तो ये एकदम सही हो जाएगा। तो अब इसको ढक के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाए और ये सेट हो जाए। 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब देख लेते हैं हमारा डो, ये देखिए पहले से थोड़ा सा टाइट हो गया है, सूजी फूल गई है। अब इसको हमने चकला ले लिया है, इस पे हम हथेली की इस साइड की हेल्प से इससे ऐसे दबा दबा के थोड़ा सा चकले पे ही 2 मिनट तक इसको इसी तरह से मसलते रहेंगे जिससे कि ये एकदम आटे जैसा हो जाए, सूजी जो है एकदम मिल जाए, चिकना डो तैयार हो जाए। तो इसको 2 मिनट तक हम इसी तरह से मसलते रहते हैं। हमने 2 मिनट तक अपने डो को अच्छे से मसल लिया है। अब देखिए ये देखिए अभी एकदम चिकना हो गया है। अब इसकी हम बड़ी बड़ी लोइयां बना लेते हैं। इतने डो की हमने 5 लोइयां बना के तैयार कर ली। लोई को अच्छे से चिकना कर लेते हैं। एक लोई ले लेते हैं पहले, बची हुई लोइयों को हम ढक के रख लेते हैं। इसको अब हम बेल लेते हैं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। देखिए मैंने इसकी मोटाई इतनी रखी है, ये देखिए। ये मैंने एक सॉस की बोतल का ढक्कन लिया है, आप किसी भी बोतल का ढक्कन ले सकते हैं। अब इससे मैं इस तरह से छोटी छोटी पीसेस इसमें से इसकी शेप के मैंने सारे ये
ये पीस छोटी छोटी, ये पूड़ियाँ सी छोटी छोटी ये बना ली हैं। अब जो ये एक्स्ट्रा डो है इसको निकाल देते हैं, ये इजीली निकल जाएगा। ये हमने निकाल दिया, इसको हम इकट्ठा कर देंगे, इसके भी और गोलगप्पे बन जाएंगे। इसको इसी में ढक देते हैं। अब जो हमारी ये छोटे छोटे सी ये हमने बना लिए हैं पूड़ियाँ सी, इनको हम एक किनारे लगा देते हैं। अब हम एक ये लेंगे इसमें से पीस, इसको हम बेलन की हेल्प से ओवल शेप में इस तरह से बढ़ा देंगे। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। देखिए अब साइज़ आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको ओवल शेप पसंद है तो आप ओवल में कीजिए, अगर आपको राउंड शेप ही पसंद है तो आप इसको राउंड शेप में भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत हल्के हाथ से, ये देखिए, एक हम प्लेट ले लेंगे, उस पे हम इस तरह से रखते जाएंगे। ये देखिए बहुत जल्दी बन जाते हैं ये। देखिए हमारे सारे गोलगप्पे एक साइज़ के हो गए। मैंने यहाँ पर ढक्कन लिया है, आप चाहें तो छोटी छोटी लोइयाँ बना के इनको बिना ढक्कन के भी ऐसे ही बेल सकते हैं। ढक्कन से बस ये है कि सब एक सेप एक साइज़ के बनेंगे, एक जैसी शेप आएगी सबकी। तो चलिए अब इनको सेक लेते हैं। हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और इसमें हम फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं और इसको गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, हम चेक कर लेते हैं कि गुथा हुआ आटा, छोटी सी बॉल बना के इसमें डालते हैं। देखिए ऑयल गर्म हो गया है, इसको निकाल लेते हैं। गोलगप्पा सेकने के लिए ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब एक बार में जितने गोलगप्पे आ जाते हैं हम इसमें डाल के, सेक लेते हैं। अब गैस की फ्लेम को हम लो और मीडियम कर देंगे। देखिए कढ़ाई में डालते ही सारे गोलगप्पे हमारे फूल रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं। गैस की फ्लेम हमने लो और मीडियम ही रखी है। अब बीच में हम थोड़ा सा इस तरह से ऑयल को वो कर देंगे जिससे कि गोलगप्पे हमारे अच्छे हो जाएं, एकदम बाजार जैसे एकदम क्रिस्पी बने। देखिए हमारे सारे गोलगप्पे फूल गए हैं। इनको हम पलट लेंगे, एक साइड ये सिक चुके हैं, दूसरी साइड भी सिक जाएं, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि हमारी एक साइड जो है वो सॉफ्ट रहती है, तो हमें तो बिल्कुल मार्केट जैसे गोलगप्पे बनाने हैं, एकदम करारे होने चाहिए, तो दोनों साइड हमारी अच्छे से सिक जाएं। ये देखिए हमने पलट लिए, अब इनको 1 मिनट तक थोड़ा सा सिकने देते हैं। गोलगप्पे हमारे सिक के तैयार हो गए हैं, इनको अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए एकदम फूले फूले गोलगप्पे बने हैं हमारे, बिल्कुल बाजार जैसे।
गैस की फ्लेम हमने लो और मीडियम कर दी थी। जैसे ही हम गोलगप्पे निकालेंगे गैस की फ्लेम को दोबारा से हाई कर देंगे, क्योंकि ऑयल हमारा जब हम गोलगप्पे इसमें डालें तो अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी हमारे गोलगप्पे फूलेंगे। तो उसी तरह से फिर हम इसमें गोलगप्पे डाल देते हैं। इसी तरह से हम अपने सारे गोलगप्पे सेक के तैयार कर लेते हैं। देखिए ये भी सब फूल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और डालने के बाद हम ऑयल को इस तरह से बीच में थोड़ा सा हिला देंगे तो जो नहीं भी फूले हैं वो भी फूल जाएंगे। देखिए सारे फूल गए। देखिए फ्रेंड्स हमारे गोलगप्पे बन के तैयार हो गए हैं। तो प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।